दोस्तों म्यूजिक बनाने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग उसके अंदर स्ट्रिंग्स जरूर कहीं ना कहीं डालते हैं। ऐसे में अगर आप भी स्ट्रिंग्स डालते हैं या फिर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं, कमर्शियल वर्क करते हैं, तो आज मैं आपके लिए कुछ बेस्ट स्ट्रिंग प्लगइन्स लेकर आया हूं। ये प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्शन के लिए। दोस्तों सबसे पहले आता है ऑडियो मॉडलिंग की तरफ से एक प्लगइन्स जिसका नाम है सोलो स्ट्रिंग्स बंडल। ऐसे आप इसका बंडल भी ले सकते हैं या फिर सोलो स्ट्रिंग्स प्लगइन्स सिंगल प्लगइन्स भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली प्लगइन्स ही आता है लेकिन ये स्ट्रिंग का बहुत अच्छा प्लगइन्स है। सोलो स्ट्रिंग का वर्जन 3 लॉन्च हो चुका है जो स्वयं वर्जन 3 के नाम से है। इसके प्लगइन्स वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर द्वारा। बहुत सारे सॉन्ग में आपने इसको सुना होगा। दोस्तों जितने भी कमर्शियल सॉन्ग बनते हैं उसमें यूजएम का स्ट्रिंग प्लगइन जरूर यूज होता है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लगइन्स माना जाता है इंडस्ट्री में, जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास स्ट्रिंग सेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको 60 प्लेइंग स्टाइल मिल जाता है एंड मोर देन 200 साउंड प्रीसेट आपको देखने को मिल जाता है। आज के टाइम पे ये कमर्शियल सीरियल या फिर कमर्शियल सॉन्ग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लगइन्स है। दोस्तों स्पीड फायर ऑडियो की तरफ से एक प्लगइन्स आता है जो स्पीड फायर सिंफोनिक स्ट्रिंग्स के नाम से आता है। ये भी प्लगइन्स बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। तो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट 7 है या कॉन्टैक्ट 6 है तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट की वैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज आती है जो मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपको सिर्फ वही प्लगइन्स बता रहा हूं जो इंडिपेंडेंट है, VST के माध्यम से चलते हैं और डायरेक्टली आपको किसी भी अलग से कोई प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल्ली प्रोफेशनल वर्क के लिए है, तो अगर आपका बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चाहता हूँ आप लोग कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक्स पूरा कर दो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पूरा कर दो।